देसी अमानत न्यूज के खास रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पेज को शेयर करें। बिहार के नवादा जिले से करिश्माई मस्जिद जो 600 सालों बाद तक पानी में डूबा रहा, अब बाहर निकलने पर काफी संख्या में देखने को लोग पहुंच रहे हैं। पूरी जानकारी जान लीजिए आप भी इस मस्जिद के बारे में। नवादा जिले के रजौली गाँव में सालों तक फुलवरिया डैम में डूबी थी। जब डैम का पानी नीचे उतरा तो कई दशकों के बाद मस्जिद बाहर निकल आई है। आपको बताते चलें कि सरकार के द्वारा फुलवरिया डैम का निर्माण सन 1984 में कराया गया था। इससे पहले इस जगह पर बड़ी संख्या में लोग रहते थे, लेकिन जब डैम बनाई गई थी तो मस्जिद से छेड़खानी नहीं की गई थी और मस्जिद अब भी सुरक्षित है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 600 सालों बाद मस्जिद वैसे सुरक्षित दिख रही है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। काफी संख्या में इस मस्जिद को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इस मस्जिद में हम नमाज पढ़े हैं, हमारे दादा परदादा के टाइम में मस्जिद बने हुए हैं। हम लोग उतना खुश हैं, सरकार वहां से उजाड़ दिया हम लोग 84 में, वहां से उजाड़ कर हम लोग हर जमा। मस्जिद का क्या नाम है? नूरी मस्जिद।